हिंद महासागर में अचानक बढ़ी भारत की ताकत। भारत ने मॉरिशस में बनाया विदेशी सैन्य अड्डा। आगा लेगा द्वीप पर रनवे और बंदरगाह बनकर तैयार। पहले अल जजीरा और अब सैटेलाइट तस्वीरों ने चौंकाया। लगता है हिंदुस्तान ने अब फ्रंट पर आकर अपने दुश्मनों को गिन गिन कर ठिकाने लगाने की स्ट्रेटजी अपना ली है। तभी तो पूर्वी लद्दाख में चीन ने सैनिक बढ़ाए तो भारत ने 3 गुना ज्यादा आर्मी तैनात कर दी। पाकिस्तान ने भारत में बदमाशी की तो उसकी गुस्ताखियों की सर्जरी कर दी। अब चीन फिर से हिंदुस्तान को हिंद महासागर में घेरने में जुटा है तो भारत ने भी हिंद महासागर में अपनी किलेबंदी करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर दोस्तों पिछले साल कतर के अल जजीरा न्यूज चैनल ने बड़ा दावा किया था और अब एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की माने तो भारतीय मिलिट्री एयरबेस दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में हजारों किलोमीटर दूर मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर बनकर तैयार है, जिसे देखने के बाद चीन सन्न है, क्योंकि जिनपिंग की पीएलए अक्सर हिंद महासागर में दूसरे देशों से लड़ने के लिए दुनिया भर में बदनाम है। चीन हिंद महासागर पर भी अपना दावा ठोकता है, जबकि हिंद महासागर पर शीत युद्ध के समय से ही दबदबा भारत का रहा है और इसी अधिकार पर मुहर लगाने वाली तस्वीरें अब इंटरनेट पर तैरने लगी हैं। क्योंकि दोस्तों असल में भारत ने उस जगह पर खेल किया है जो चीन का रास्ता ही रोक देगा। तो दोस्तों आखिर मॉरिशस में भारत की क्या है बड़ी स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग? हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत से क्यों खौफ में आया जिनपिंग? आगा लेगा नेबल बेस से कैसे भारत ब्लॉक कर देगा चीन का अफ्रीकी रास्ता? तो दोस्तों असल में बड़ा खेल हो गया है। हिंद महासागर में मौजूद मॉरिशस के आगा लेगा द्वीप की कुछ सैटेलाइट तस्वीरों ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि यहां पर हवाई पट्टी का काम पूरा हो चुका है। रनवे पर टैक्सीवे और एप्रन के चिन्ह साफ नजर आ रहे हैं। इससे साफ हो गया है कि यह एयरबेस अब ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। रनवे के आसपास भारत ने कई बुनियादी ढांचों का भी निर्माण किया है। साथ ही द्वीप के एक सिरे पर गहरे पानी पर बंदरगाह बनकर तैयार हो चुका है। मतलब दोस्तों भारत का मिलिट्री बेस बनकर तैयार है। हालांकि भारत की तरफ से इन दावों को ना तो स्वीकार किया गया है और ना ही खारिज किया गया है, लेकिन इससे चीन की हवा टाइट हो चुकी है, क्योंकि यहां भारत को एक साथ कई ऐसे देशों का सपोर्ट भी मिल रहा है जो इलाके में खेल बदल कर रख देगा। भारत को इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर वक्त रहते चीन की कारगुजारियों को दुनिया के सामने नहीं लाया गया और चीन पर नकेल कसने के लिए एक मजबूत डिफेंस एंटिटी नहीं बनाई तो हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर बनने में देर नहीं लगेगी। और भारत का ये बड़ा कदम उसी ओर इशारा कर रही है। मतलब दोस्तों ये मिलिट्री बेस चीन की इकोनॉमी का गला दबा देगा। ये बात बताने से पहले आपको इस बेस से जुड़ी बड़ी बात बताता हूँ। मतलब दोस्तों मॉरिशस के आगा लेगा में भारत ने मिलिट्री बेस बना लिया है। दो नेवल एयरबेस करीब 12 किलोमीटर लंबे और 1.5 किलोमीटर चौड़े द्वीप पर बना है। मिलिट्री बेस का रनवे 3 किलोमीटर लंबा है, लिहाजा भारी जहाज, लड़ाकू विमान, PHI निगरानी विमान उड़ान भर सकेंगे। रनवे के किनारे बड़ा हैंगर बना है जिसमें विमानों के अलावा ड्रोन भी पार्क किए जा सकेंगे। लॉजिस्टिक और अकोमोडेशन के लिए दो अलग अलग बुनियादी ढांचे बनाए गए हैं। भारत का ये नेबल बेस मॉरिशस के मुख्य द्वीप से लगभग 1100 किलोमीटर दूर है। आगा लेगा में बने रनवे का इस्तेमाल भारतीय नौसेना समुद्र में पेट्रोलिंग के लिए करेगी। यहाँ गहरे समंदर के बंदरगाह पर बड़े जहाजों और विध्वंसक युद्धपोतों को डॉक किया जा सकता है। दोस्तों पहले ऑस्ट्रेलिया के लेवी इंस्टीट्यूट ने आगा लेगा में भारत के नेबल बेस होने का दावा किया था, जिसके बाद अल जजीरा और अब कई अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स और मीडिया संस्थान इसे भारत का सैन्य अड्डा बता रहे हैं। हालांकि भारत ने कभी भी इस द्वीप पर नौसेना की मौजूदगी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन चीन की हवाइयां इस खबर से उड़ी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत लगातार अपनी नेवल क्षमताएं बढ़ा रहा है और वो भी बहुत ही सीक्रेट तरीके से। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने मॉरिशस के आगा लेगा द्वीप पर सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए 2015 में ही एक सीक्रेट डील की थी और तभी से इस द्वीप पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम चल रहा था। इस समझौते के तहत इस द्वीप पर 3 समुद्र और वायु संपर्क में सुधार के लिए बुनियादी ढांचा की स्थापना और अपग्रेडेशन का काम शामिल था। इसके अलावा द्वीप के आसपास समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए मॉरिशस की सेना को ट्रेनिंग देने को लेकर भी करार हुआ था। और अब दोस्तों मिलिट्री बेस का काम पूरा हो गया है। दोस्तों समंदर के अंदर भारत के लिए अंडमान निकोबार जितना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां के करीब से ही चीन के सारे जहाज गुजरते हैं और इसी लिहाज से मॉरिशस का ये आइलैंड भी किसी वरदान से कम नहीं है।
और अब हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ भारत की समुद्री सुरक्षा में मॉरिशस का यह द्वीप बड़ी भूमिका निभाने वाला है। दोस्तों, भारत के लिहाज से ये प्रोजेक्ट क्यों इतना अहम है, तो इसका कारण ये है कि मॉरिशस के हिंद महासागर में रणनीतिक उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। इस इलाके से होकर हर साल खरबों डॉलर का समुद्री व्यापार होता है। आगालेगा द्वीप से भारत के दक्षिणी इलाकों की भी निगरानी आसानी से की जा सकती है। अफ्रीकी महाद्वीप के नजदीक होने से इस देश से हिंद महासागर के बड़े इलाके पर नजर रखी जा सकती है। अफ्रीका के जिबूती में चीन का विदेशी सैन्य अड्डा है, जहां तक जाने के लिए आगालेगा के करीब से गुजरना पड़ता है। मतलब दोस्तों, युद्ध के वक्त भारत इस द्वीप पर अपनी मौजूदगी से बड़ा फायदा उठा सकता है, क्योंकि इसके जरिए चीन के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पलक झपकते ही ब्लॉक कर सकता है। साथ ही उसकी हर हरकत पर यहां से नजर रख सकता है। साथ ही भारत के लिए बड़ी बात यह है कि इस द्वीप के रियूनियो द्वीप है, जिस पर फ्रांस ने कब्जा करके अपना बड़ा मिलिट्री बेस बना रखा है। मॉरिशस के उत्तर पूर्व में डियागो गार्सिया है, जहां अमेरिकी और ब्रिटिश मिलिट्री का बेस है। यानी अगर मॉरिशस में भारत ने मजबूती से पैर जमा लिया तो फिर चीन की कोई भी चालबाजी परवान नहीं चढ़ पाएगी, और भारत इस इलाके में समुद्री विस्तार पर नजर रखकर अपनी सरहदों की निगरानी कर सकेगा, क्योंकि पूर्वी एशिया के समंदर में चीन पहले ही एक ताकतवर देश बन चुका है। अब हिंद महासागर में बढ़ती उसकी गतिविधियों की काट भारत ने खोजनी शुरू कर दी है। हिंद महासागर चीन के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि अब यह क्षेत्र उसके लिए व्यापार और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने का जरिया बन गया है। हालांकि हिंद महासागर इंडियन नेवी के आधिकारिक क्षेत्र में आता है, किसी भी प्राकृतिक या फिर मानव जनित आपदा के समय सबसे पहले इंडियन नेवी ही सक्रिय होती है। और दोस्तों, अब मॉरिशस में उजागर हुई भारत की नई मोर्चाबंदी ने चीन को दिन में तारे दिखा दिए हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।